सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सभी। नाउ आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो गेम्स के ऊपर। पहला तो रहने वाला हमारा अंडरवर्ल्ड गैंगवर्स एंड दूसरा हमारा फ्री फायर और BGMI जो कि अभी अनबैन होने वाले हैं। मींस बहुत सारे रूमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं इन गेम्स के ऊपर। बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि अगले साल तक ये सारे गेम्स अनबैन हो जाएंगे एंड ये सारे गेम बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे प्ले स्टोर में। सो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वीडियो के एंड में तुम्हें सब पता लग जाएगा। वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे इनके ऊपर, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना, एंड तक देखना। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो UGW की बात करें तो यहाँ पर हमें ज्यादा कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता। 2 से 3 हफ्ते पहले इसका एक टीजर आया था जो कि इसके मैप को अनलॉक करते हुए आया था, जहाँ पर मैप के कुछ लोकेशंस दिखाए गए थे जो कि बहुत पहले दिखा दिए गए थे। तुम यहाँ पर ये टीजर भी देख सकते हो, बहुत छोटा सा टीजर था एंड इसमें कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करा गया था, कुछ लोकेशंस को हाईलाइट करा गया था एंड बस ये इतना ही था। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली। UGW के ऑफिशियल्स का यही कहना है कि टाइम टू टाइम हर एक चीज रिवील होती रहेगी। लोकेशन से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट्स अभी भी रिवील होने बाकी है एंड बहुत सारे पार्ट्स अभी बने भी नहीं है जिनको रिवील नहीं करा जा सकता अभी के टाइम पे। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ ऑडियंस के लिए एक ही बात है कि तुम बस वेट करो, जितना वेट कर सकते हो करो। तुम्हें इस गेम की न्यू रिलीज डेट भी पता लग गई होगी। जैसा कि तुम्हें पता है, इन्होंने बोला था कि नवंबर या दिसंबर में रिलीज हो जाएगा, यानी कि साल के एंड में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट साल का एंड आ चुका है एंड अभी तक हमें गेम प्ले तक देखने को नहीं मिला। सो रिलीज डेट तो बहुत ही आगे समझ लो। एंड जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया था कि गेम रिलीज होने के बाद तुरंत इसमें ईस्पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, ना ही इसमें ज्यादा बैटल ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। सो इस हिसाब से तुम मान के चलो कि 1 साल और लगेंगे इस गेम को पूरी तरीके से डेवलप होने में एंड सारे फीचर्स इस गेम में आने के लिए। सही बात है, क्योंकि कोई भी गेम हो डायरेक्ट लॉन्च होते ही वहाँ पर सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं हो जाते उस गेम में, टाइम टू टाइम वो ग्रो करता है। जैसे कि तुमने फ्री फायर में भी देखा होगा, BGMI में भी देखा होगा एंड वही सेम चीज, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी तुम्हें देखने को मिलेगा, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 1 साल और लगेगा तुम्हें टोटल इस गेम को पूरी तरीके से डेवलप होने में एंड इसमें ईस्पोर्ट आने में। सो भी बहुत लंबा इंतजार करना है, अगर तुम कर सकते हो तो करो, वरना कोई और गेम ट्राई करो। बहुत सारे गेम्स है जैसे कि वेलवरेंट में तुम क्लैश वॉर जैसा खेल सकते हो, वहाँ पर 5v5 एंड 6v6 तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो तब तक के लिए सारे गेम्स एंजॉय करो एंड अब बात करते हैं अपने BGMI एंड फ्री फायर के ऊपर। ठीक है। सो पिछले 10-15 दिनों में एक ट्वीट है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ है एंड उस ट्वीट में लिखा है कि फ्री फायर और BGMI दोनों है वापस आने वाले हैं एंड गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रही है। एंड वो ट्वीट किया किसने है, वो ट्वीट किया है यश भानुशाली। अब जिनको नहीं पता यश भानुशाली कौन है तो तुम यहाँ पर उनके बारे में पढ़ भी सकते हो। ओनर ऑफ ऑरंगटन, मतलब इनकी एक ऑर्ग चलती है जो कि बेसिकली 2 टीम है इनकी, एक BGMI एंड फ्री फायर में। तुम एक तरह से ये समझो कि एक ऑफिशियल्स है अपने ई-स्पोर्ट्स के, जिनकी की हर जगह इन्वॉल्वमेंट रहती है। BGMI या फ्री फायर के कोई भी इवेंट्स में, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स होते हैं वहाँ पर इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है एंड एक तरह से ऑफिशियल्स है अपने गेमिंग कम्युनिटी के। ठीक है, समझ गया। सो इनका ट्वीट मायने रखता है, वैल्यूएबल ट्वीट है, मतलब अगर ये ट्वीट कर रहे हैं तो कुछ जानकारी के साथ ही ट्वीट कर रहे होंगे, इनको अंदर की बात पता होगी तभी ट्वीट कर रहे हैं। सो इसके रिलेटेड लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे जिनका आंसर उन्होंने अपने ट्वीट के थ्रू ही सबको बताया। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा था कि गेम रिलीज कब होगा, उसकी एग्जैक्ट डेट क्या होगी, तो वहां पर उन्होंने ट्वीट करा अर्ली जैन रिलीज, मतलब कि जनवरी के पहले ही महीने में या फिर जनवरी के लास्ट महीने में तुम्हें यहां पर देखने को मिल जाएगा। अर्ली मतलब जल्दी ही, जनवरी के महीने में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इसको लेकर एक और ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने ई-स्पोर्ट के पर बात करी थी, उन्होंने बताया कि ईस्पोर्ट यहाँ पर जल्दी नहीं आएगा, मींस मार्च के महीने में देखने को मिलेगा, 2-3 महीने लगेंगे, बट ईस्पोर्ट्स देखने को तुम्हें जरूर मिलेगा। अब देखो जो भी बंदे यहाँ तक देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितने भी बंदे इस चैनल पर नए हो पहली बार आ रहे हो वीडियो को शेयर भी कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो एंड सबको बताओ। एंड तुम अभी के टाइम पे क्या फील कर पा रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बाकी तुम्हें जो करना है करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ शेयर भी कर देना, अगर हो सके तो एक फ्रेंड में शेयर करो। बाकी जो करना है करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए ज्यादा वेट मत करो, ज्यादा उतावले मत हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एट दी एंड तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली है, गेम्स बैन अनबैन होते रहेंगे, तुम पढ़ाई पे फोकस करो एंड अपने करियर पे ध्यान दो। तो मिलते हैं तुमसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो।